Jai Ganesh Deva.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, धन्यवाद मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के पावन पवित्र पर्व, आज ही नहीं हमारी संस्कृति और सभ्यता में प्रत्येक दिवस कोई ना कोई व्रत, कोई ना कोई त्यौहार है। बहुत से प्रचलित त्यौहारों को तो हम मनाते हैं, परंतु भारतीय संस्कृति के अनुसार भी बच्चों के लिए गणेश चतुर्थी चौथ पावन पवित्र पर्व का हम लोग बात करें। ऐसे ही प्रतिदिन कोई न कोई व्रत और त्यौहार है, और त्यौहार को मनाने के पीछे कई लोक कथाएं प्रचलित हैं। आज के पावन पवित्र जिसको हम मनाने जा रहे हैं, मना रहे हैं, लोहड़ी उत्तर भारत का प्रमुख पर्व है। लोहड़ी जो मनाते हैं या कोई भी व्रत त्यौहार हम जो मनाते हैं, हम अपने उत्साह को प्रकट करने के लिए कोई भी व्रत या पर्व मनाते हैं। मनुष्य जब प्रसन्न होता है तो उस प्रसन्नता के व्यक्ति प्रस्तुति कर्म का नाम जो है वह उत्तम है, पर्व है। अभी कल मकर संक्रांति है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। 12 राशियां हैं। मकर राशि में सूर्य जिस दिन प्रवेश करते हैं उस दिन से सूर्य उत्तरायण की तरफ जाते हैं। दो आयन हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण। तो 6 राशियों तक भगवान भास्कर जो है वह उत्तरायण में रहते हैं, और कल मकर राशि में भगवान भास्कर भगवान सूर्य प्रवेश कर रहे हैं। मकर राशि में जब भगवान सूर्य प्रवेश करते हैं और जब उत्तरायण को होते हैं तो वह पृथ्वी के नजदीक आते हैं। नजदीक आने से सूर्य की गर्मी हमें ज्यादा रहती है, क्योंकि शीत काल चल रहा है और भगवान सूर्य जो उत्तरायण हो रहे हैं। अब हमें इस शीत से निजात मिलेगी, इस ठंडी से हम गर्मी की तरफ जाएंगे। इस कारण से भी यह पर्व मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति की पूर्व संध्या में इस पावन पवित्र पर्व को हम मनाते हैं। सभी लोग आग जलाते हैं। अब आग जो है वह प्रत्यक्ष देव है। आग में कुछ भी लागे वो उनको प्राप्त हो जाता है। प्रत्यक्ष देव में अग्नि और जल को माना गया, और अग्नि प्रत्यक्ष देव ही नहीं है, ये सभी देवताओं को पहुंचाने वाले संवाहक हैं। हम अलग अलग देवताओं के नाम की आहुति देते हैं, उन सभी देवताओं तक उस आहुति को, हमारे समर्पण को, हमारी सामग्री को, हमारी वस्तु को पहुंचाने के संवाहक भी हैं।
शास्त्र में आया है कि भगवान तीन मुख से कोई भी वस्तु ग्रहण करते हैं। प्रथम मुख जो है वह अग्नि का मुख है और अच्छे अच्छे पदार्थ आज हम अग्नि में समर्पित करेंगे। आज ही नहीं, प्रत्येक आहुति में हम साकल्य डालते हैं। साकल्य में तिल, जौ, चावल, गुड़, घी, पंचमेवा इत्यादि वस्तु होती है। अब मात्रा कितनी होती है उसका भी अलग विधान है। तिलार्थम तंडुलम प्रोक्ता, तंडुलार्थम जलाद तथा जलार्थम शर्करा प्रोक्ता, जो आप है। तो अच्छी वस्तुएं हम भगवान को उनके नाम से अग्नि के द्वारा अग्नि के माध्यम से हम उस देव का तत्व भेजते हैं। तो अग्नि जो है वह संवाहन का प्राचीन काल में, और भारत वैसे भी कृषि प्रधान देश है। आज तो बहुत तो व्यवसाय में लगते हैं, अनेक अनेक व्यवसाय में लगे हैं, परंतु मूलतः जो है भारत जो है वह कृषि प्रधान देश है। और आजकल कृषि में सबसे बढ़िया समय है। अगर दृश्य देखना हो, पृथ्वी की छटा देखनी हो, तो आज हरियाली से पृथ्वी पूरी तरह से आच्छादित है। खेतों में गेहूं बहरा रहे हैं, सरसों के फूल हैं, मटर के पौधे हैं, चने हैं, अनेकानेक खाने की जो वस्तुएं हैं उनकी हरियाली देखनी उनकी। जब इस तरह का कृषक देखता है अपने खेतों को तो प्रसन्नता से झूम उठता है, नाच उठता है और भगवान को साक्षी मान करके भगवान के सम्मुख, अग्निदेव के सम्मुख अपने वस्तुओं को, स्वादिष्ट वस्तुओं को, रेवड़ी, मूंगफली, मक्के इत्यादि भगवान को समर्पित करता है और भगवान का धन्यवाद करता है कि प्रभु आपने इतने सुंदर फसल दी है, आप हमें इस समय से निजात देने जा रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी भाव को लेकर के कृषक जो है या भारतीय समाज जो है वह इस पावन पवित्र को मनाता है। हम अभी अग्नि की स्थापना करने जा रहे हैं, अग्नि पूजन होगा, उसके पश्चात आप लोग भी अपने भाव को भगवान तक भेजने के लिए अग्नि के माध्यम से उन वस्तुओं को प्रस्तुत कीजिएगा। और उसके पश्चात क्योंकि अग्नि साक्षात देव है, इसकी प्रदक्षिणा का विशेष महत्व है, तीन प्रदक्षिणा अवश्य कर लीजिएगा। तो आइए हम अग्नि स्थापन करें। सबसे पहले शांति पाठ और तत्पश्चात अग्नि का स्थापन। जो लोग भी यहाँ पे नए बालक को लेकर आए हैं उनसे आग्रह कि वो हम उनको उद्देश्य नहीं पा रहा है या भवन तो कोई दिखाई नहीं दे रही है, फिर पुराने लोग हैं अस्तु, आज के जो हमारे जन्मान है वही आज अग्नि स्थापन करेंगे। ओम हरि ओम स्वस्ति इंद्रो वेदतरवा, स्वस्ति जगा लो हो
ऐश्वर्यादि विपुल धन धान्य अभि वृद्धि अर्थम लोहरि उपलक्षे अग्निस्थापन कर्म अहम करिष्ये। देखिए फिर जगत में और रेवड़ी में तिल है, तिल और गुड़ है। माघ महीने में तिल खाने का बड़ा विशेष महात्म्य शास्त्र में वर्णित है। अगर कभी तिल न खाते हो तो माघ के महीने में जरूर खाते, इससे आयु वृद्धि होती है। तो कुछ भी हम प्रयोग करें उसके पहले भगवान को अर्पित करें, ये भी एक कारण है। आज के दिवस में एक आज के व्यक्ति ने मुझे फोन किया कि इसको लोहड़ी क्यों कहते हैं, तो हमको कहीं इसका प्रमाण तो मिला नहीं कि लोहड़ी काम क्यों कहते हैं। तो अपने विचार से आया कि ये गांव के भोले भाले लोग होंगे और भगवान को हरि को ईश्वर को प्रदान करने के लिए मंत्र इत्यादि तो आता नहीं होगा, तो लो हरि लो हरि हरि को दे रहे होंगे तो दान कर रहे होंगे। वही अभवन शुरू करके जो हरि कारण करने हो गया होगा। अस्तु जो भी है भाव तो यही है कि लो हरि हरि को भगवान को ईश्वर को हम प्रदान करें। अस्तु अग्नि यूतम करो नरे हम दत्ताय ब्रह्मणाम् यदि क्षत्रम्
ब्रह्म पयहस्तोवं प्रजापति प्रदेशत जमित्रियं विपार दुंशुक्रमं दशास्रमा ओम शन्नो देवी मृत्यं मामोहवंतु वेतये शन्यो रविश्यवं पुरहं स्वाहा ओम कयानस्य त्रयाहु वसुदिं सका सचिश्यार्थः स्वाहा ओम केतुं खड़पन्नते परेह केतो वर्क्यामवेशुते सर्वधीरजालिकाः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्कवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्कवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्कवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो सामग्री अवश्य पूरा मुझे डालने के लिए आराम से और खड़े हो जाएंगे। सभी लोगों को जब मिल जाए अभी नहीं शब्द ले रहे हैं ओम मोकारम ओम जीर्भाणी प्रजनं दीर्षिका हस्ता निखन्यनहं दीर्भागं सहस्रयोजने बरन्मावितं वची जानिका नीचपा पानी जर्मांतर्कुपानी च तानि शर्वाणी निनश्यन्ति पदक्के पदे पदे पदक्या के समय दाहिना हाथ जो है अंदर की तरफ होना चाहिए आप सभी को आज के इस पावन पवित्र पर्व लोहड़ी की ढेरों सारी शुभकामनाएं बधाइयां। भगवान आपके घर में सुख शांति और समृद्धि का संचार करें। यह विशेष प्रार्थना आज के इस पावन पवित्र दिवस के उपलक्ष्य में आप सबके लिए हम भगवान के चरणों में निवेदित करते हैं। आज के इस कार्यक्रम को हम विराम नहीं से पूर्व कल सायंकाल संक्रांति लग रही है, पुण्यकाल परसों तक है, तो अगर कल सायंकाल करेंगे मकर संक्रांति का पुण्य लाभ प्राप्त करना चाहते हो तो कल सायंकाल स्नान करके पुण्य लाभ प्राप्त करें, और नहीं तो परसों रविवार को प्रातःकाल जल में गंगा जल डाल करके अवश्य मकर के पुण्यकाल का जो फल है उसे प्राप्त करें। रविवार को प्रातःकाल और इन के शुक्राणों के साथ आज के इस लोहड़ी के पावन कार्यक्रम को हम विश्राम दे रहे हैं। 26 तारीख को बसंत पंचमी है और भारतीय गणतंत्र दिवस भी है। उस दिन सायंकाल 6:30 बजे से 7:30 बजे तक सरस्वती पूजन का आयोजन मंदिर में किया गया है। मैं आप सभी अभिभावकों से आग्रह करता हूं कि अपने विद्यार्थी बच्चों को विशेष करके मंदिर में अवश्य आए और भगवती सरस्वती का पूजन करा करके उन्हें विद्या का वरदान प्राप्त कराएं। 26 तारीख सायंकाल 6:30 बजे से 7:30 बजे तक अगर किसी श्रद्धालु भक्त को उस दिन की प्रसाद की सेवा देनी हो तो आप उनका नाम और टेलीफोन नंबर हमें
प्रसाद सेवा के लिए दे सकते हैं। ये सूचनाओं के साथ आज के इस कार्यक्रम को शाम आरती से पूर्व आज के प्रसाद सेवा के श्रद्धालु भक्त परिवार ने कराई है। श्री कमल कुमार जी और उनके परिवार के सभी सदस्यों ने मिलकर के आज की यह भोग सेवा भगवान के पावन श्री चरण कमल में समर्पित की है। भगवान से हमारी विनती है, प्रार्थना है कि प्रभु कुमार परिवार द्वारा समर्पित आरती भोग सेवा की शिकायत करते हुए परिवार के सभी जनों को प्रभु कृपा देखिए, अपना आशीर्वाद भरत बनाए रखे। इसी कारण के साथ आज के कमल जी आरती के लिए आगे आ जाएंगे। Thank you.
ويلا صلاه